अध्याय 5 भगवान श्री कृष्ण के अमृत समान उपदेशों को सुनकर अर्जुन की ज्ञान पिपासा बढ़ती ही जा रही थी। उसने पुनः भगवान से पूछा, कृष्ण कभी संन्यास वर कभी कर्म सिखलात, इन दोनों अर्जुन की जिज्ञासा पर भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग की समानता समझाते हुए आत्मा की निर्लिप्तता, आत्मा के स्वभाव और आत्मा की प्रकृति का वर्णन किया, साथ ही संभाव और शांति प्राप्ति के उपाय और रहस्यों को बताते हुए कहा, सन्यासी निष्काम कर्म दोनों एक समान, मगर योग सन्यास से कर्म योग महान, इच्छा द्वेष रहित जा नित सन्यासी जा, सहज काटे बंध अजान, अज्ञानी सन्यास और योग को अलग अलग बतलाए, सेवन कर किसी एक का दोनों का फल पाए, सांख्य और निष्काम से ज्ञान योग और कर्म में रख दृष्टि एक समान, बिना कर्म संजोग के दुष्कर सा संन्यास, भगवत रूप में लीन भक्त सहज ब्रह्म आभास, निष्काम जितेंद्रिय नहीं कर्म फल से बंधता, सकल जगत में आत्म रूप परमात्म रूप उसे दिखता, देखत सुनत छुअत सूंघत खावत जात, पकड़त छोड़त कहत कछु खोलत मूंदत गात, विचार मन बात तत्व ज्ञान परिपूर्ण जन नहीं करता कहलात, सकल काम प्रभु भेंट करे नहीं आ सकती भाव, नहीं पाप से लिप्त वो ज्यों जल में कमल ठहरा, त्याग कर काम करे निष्काम, कर्म फल अनभिलाषी योगी पाए शांति,
जन्म मरण की राशि। मन से त्यागा कर्म सब अंत करण आधीन, नहीं करे कर बात कछु निज तन घर स्वाधीन। नहीं करता पन न कर्म को रचता है भगवान, नहीं कर्म फल योग को निज स्वभाव सब भान। जैसे जल में कमल रहता है, उसी प्रकार जीव को संसार में रहना चाहिए। संसार में रहकर भी संसार के प्रभाव से मुक्त रहना चाहिए। जो व्यक्ति विद्वान में, ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, चांडाल में, कुत्ते में भी, अर्थात सब में भगवान को समान रूप से देखता है, वही समदर्शी है, वही ज्ञानी है। सब ईश्वर में है और सब में ईश्वर है, ये देखना ही सच्चा ज्ञान है। नहीं पाप नहीं पुण्य फल ग्रहण करे भगवान, ज्ञान ढका अज्ञान वश मोह रहा इंसान। प्राणी हितलीन मन इंद्रिय संयम सदा शांत ब्रह्म में लीन। काम क्रोध से रहित जन विजित चित्त प्रभु ध्यान, आत्मगति पहचान जिन सकल दिसी भगवान।
नहीं धारे, नासा मध्य जरमी रहे, प्राणाधान संभारे। मोक्ष हेतु जिन मुनिन इंद्रिय मन बुद्धि वश कीन्ह, भय क्रोध इच्छा नहीं, मुक्त उन्हें ही चीन्ह। यजन भजन तप आदि का भोक्ता मुझको जान, परम शांति पाए तभी सकल लोक भगवान। से